तो मैं चाहती हूँ जो भी सरकार उन लोगों के लिए हितकारी पॉलिसीज निकालती है उन तक पहुँचे जिनके लिए निकलती है वो चीज़ें। नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय श्री राम। वैसे तो लोधीगढ़ हम रोज़ ही आते हैं और यहाँ पे तंदुरुस्त रहने के लिए रोज़ सुबह सुबह आना पड़ता है, पर आज हमारे साथ जिनको मैं लेके आऊँगा थोड़ी देर में कैमरे पर, वो हमारे जैसे अभी इलेक्शन MCD के स्टार्ट आने वाले हैं, मेरे ख्याल से 1-2 महीने के अंदर स्टार्ट होंगे वे स्टार्ट क्या मतलब होंगे, तो उसके लिए जो हमारे क्षेत्र से मतलब कस्तूरबा नगर से एक हमारे जो टिकट के लिए एक पंक्ति में खड़े हुए हैं BJP के, उनसे मैं मुलाकात कर रहा हूँ, जिनका नाम है भावना शर्मा जी और उनके हस्बैंड श्री CS कंपनी सेक्रेटरी और हिमांशु शर्मा, उनसे मुलाकात करते हैं, दो बातें करेंगे उनसे, कुछ कुछ उनसे जानेंगे कि अगर वो उनको सीट मिलती है और सॉरी टिकट मिलती है उसके बाद जो सीट अगर उनको मिलती है तो उनके क्या क्या चीज़ें हैं जो कोटला में सुधारने की कोशिश करेंगे, उनके क्या क्या मुद्दे रहेंगे, और जो कैंडिडेट है और जो पार्टी है उनकी तरफ से जैसे सबके एक मुद्दे होते हैं कि ये सुधार करेंगे, तो इनसे भी उनकी एक मन की जो इच्छा है और जो कार्य करना चाहते हैं तो उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे इनसे। तो अभी नेक्स्ट मीटिंग में भावना शर्मा जी से बात करता हूँ, धन्यवाद, मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था अभी आपको कि हमारे जो क्षेत्र से जो BJP के टिकट के लिए कैंडिडेट है एक हमारे जो पंक्ति में है भावना शर्मा जी से, जिनसे मुलाकात कराता हूँ मैं अभी। भावना जी नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। वैसे तो आप हमारे चैनल पे आ चुके हैं एक बारी, जब आपने अपने मीटिंग रखी थी नारी के ऊपर, और बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप भी एक पंक्ति में खड़े हुए हैं और जनता पार्टी के समक्ष, तो हम चाहते हैं कि आपको टिकट मिले। वैसे मैं हर किसी को यही बोलूँगा कि मेरे लिए सब सारे जो खड़े हैं उनको सब एक जैसी हैं, सब भाई बहन हमारे, और ये भी चाहते हैं हम कि हमारी जो जनता पार्टी है भारतीय जनता पार्टी उसके अंदर एक कर्मठ और एजुकेटेड पर्सन आए जो कि एक अच्छे तरीके से एक अपना कार्य संभाले। भावना जी आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि सपोज आपको सीट मिल जाती है, आपको मतलब सीट तो मैं से निकल कर देखिए उससे तो मिल भी जाएगा आपको, आपको अगर वो मिल जाती है टिकट मिलती है, फिर आपका टारगेट रहेगा चुनाव जीतना, आपके क्या ऐसे चीज़ हैं जो क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनसे आप चुनाव में लड़ सकते हैं, क्या मुद्दे रहेंगे आपके, कोटला में क्या सुधार चाहेंगे और किस तरह से आप सुधार करेंगे उस चीज़ का, थोड़ा प्लीज पब्लिक को बताइए आप। जहाँ तक मैं मिली हूँ लोगों से, जो हमारी सरकार पॉलिसीज निकालती है उनके लिए वो उन तक पहुँचती नहीं है जिसको चाहिए होती है वो, तो मैं ये चाहती हूँ कि जो हमारी सरकार उनके लिए जैसे अभी मोदी जी ने और निकाले थे कि जनधन योजना के अकाउंट खुलने, तो हमारे तो बहुत सारे लोग हैं जो नहीं खोल पा रहे थे, तो उनके मैंने खुद जाके खुलवा के दिए कि इस तरीके से खुलेंगे, या अभी भी लोगों को वोटर ID नहीं बन पा रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ जो भी सरकार उन लोगों के लिए हितकारी पॉलिसीज निकालती है उन तक पहुँचे जिनके लिए निकलती है वो चीज़ें। बेसिकली आप जो सरकार की योजना है उसको अवेयरनेस, अवेयर हो सब, और आप उनको एक दें वो चीज़ें, उनको सही रास्ता इम्प्लीमेंट करवाएं। हाँ, इम्प्लीमेंट हो, क्योंकि ऊपर ऊपर तक रह जाती है, सरकार तो लॉन्च कर देती है पर घर घर में एक्चुअल में जिनके लिए है उन तक नहीं पहुँच पाती है वो चीज़ें। तो अभी आप इसके लिए होमवर्क कर रहे हैं कि आपके क्षेत्र में कुछ लोग ऐसे हैं जैसे कुछ बस्तियां कह सकते हैं हम ऐसे जिनको पता नहीं है, पड़ोस में ही है एक बस्ती, तो जैसे स्कूलों में बच्चों के अकाउंट में पैसे आते हैं तो उनके पास अगर पैसे हो तो वो जो बैंक स्कूल वाले प्रोवाइड कर रहे हैं वो उनसे चार्ज ले रहे हैं कि एटलीस्ट इतने पैसों से आप खोलो, तो मैंने उनके अकाउंट खुलवा के दिए जनधन जीरो अकाउंट वाले जो मोदी जी ने लॉन्च किए थे, पर वो सिर्फ ऑनलाइन ही खुल रहे हैं तो वो इतना कर नहीं सकते कि कैसे खुलेगा, तो मैं बस वही कह रही हूँ ऐसी मैंने उनकी हेल्प करी है। और एक उज्ज्वला जो है ये तो हो गया, हाँ। आप अवेयरनेस जो है जो हाँ। जनता में देना चाह रहे हैं जिनके उनके हक है उन तक पहुँचाने के लिए, हाँ ये एक बात होगी। अब मैं जानना चाहूँगा जो सुधार आप करना चाहते हैं, जैसे मैंने बताया कि सपोज आपको टिकट मिल जाती है और आप जीत भी जाते हैं, तो उस सुधार में आप कोटला में क्या चाहते हैं कि जो चीज़ अभी नहीं हो रही है, मतलब एज ए बात नहीं है, साफ सफाई वगैरह सब हो रहे हैं मेंटेनेंस, पर हर कॉर्नर पे नहीं हो पाते हैं क्योंकि हर जगह कोई पहुंच नहीं सकता, जैसे मैं वहीं रहती हूँ
तो मुझे वो चीज़ पता है कि लोगों को इस चीज़ का प्रॉब्लम है। अब जो सीट पे बैठे हैं वो भी कर रहे हैं अपने हिसाब से, पर थोड़ी और अंदर आप थोड़ा सा और अच्छे से कर सकेंगे। और सफाई तो इसलिए है कि आप थोड़े महिला है, थोड़ी महिला है तो आप समझ रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे हमारे MCD के अंदर जितने स्कूल्स वगैरह हैं, हाँ जी, तो उसके लिए क्या सुधार चाहेंगे आप? क्या देखा अभी तक आपने जो कि वहाँ पे आपके हिसाब से वो चीज़ नहीं है? मेरे हिसाब से जैसे अभी कोरोना चल रहा था, लॉकडाउन पीरियड है, ऑनलाइन जो क्लासेस हो रही है, जैसे अभी मेरी बेटी का एडमिशन हुआ तो मैंने तो अच्छे से कराया टीचर से लिंक करके, लेकिन MCD स्कूलों में हर बच्चे के पास फ़ोन नहीं है, हर बच्चे के पास वो फैसिलिटी नहीं है, तो exactly. वो लिख देते हैं कि मैडम जब पापा फ़ोन लेके आएंगे तब हम करेंगे, तो उस पीरियड में वो निकल जाता है और फिर वो भेज नहीं पाते कुछ, उनको आता नहीं है वो चीज़ें। तो मैं ये चाहती हूँ कि ऐसे लोगों की मैं जाके हेल्प कर सकूँ, उनको बता सकूँ कि ये ऐसे होगा और जो पॉसिबिलिटी होगी कि उनको ये चीज़ प्रोवाइड करवा सके वो करवा। जैसे अभी हमारे क्षेत्र के अंदर मैं अभी देख रहा हूँ, देख के आ रहा हूँ काफ़ी, सभी लोग देख रहे हैं इस बार कि पहले जब एक वाइन शॉप हुआ करता था हमारे यहाँ पे, उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे कि मैं इस चीज़ से काफ़ी दुखी हूँ कि मतलब इतनी कितनी खपत है कोटला के अंदर, चार चार बहुत ज़्यादा, इतना रश भी रहता है रोड पे, और अभी आजकल तो टैग भी लगे हुए फ्री 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 करके, तो वो तो हम चाहते हैं कि बंद हो जाए, तो हम लोग उसके लिए मोर्चे भी निकाल रहे हैं, धरना भी दे रहे हैं, और हो रहे हैं बंद, ऐसी बात नहीं है, बंद हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी कम हो जाएंगे। तो महिला सशक्तिकरण आपके थ्रू मेरे ख्याल से स्टार्ट हो जाएगी कोटला में, हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच भावना जी हमारे चैनल पे आने के लिए, और मैं आपके हस्बैंड से जरूर बात करना चाहूंगा कि वो थोड़े से हमारे जानकार ज्यादा हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि हमारे साथ भावना शर्मा जी थी जो कैंडिडेट हैं, मतलब टिकट की कैंडिडेट है भाजपा BJP के लिए, और उनसे अच्छी मुलाकात रही और उनके जो सोच है वो सराहनीय है काफ़ी, और मैं चाहता हूं कि मतलब ऐसे ही काम करें आगे, एजुकेटेड पर्सन आए और राजनीति थोड़ी चेंज हो। अब मैं जिनको अपने ब्लॉग में लेके आना चाह रहा हूं, मेरे चैनल पे लेके आना चाह रहा हूं, वो भावना जी के हस्बैंड हैं, वो CS हैं और उनका नाम हिमांशु शर्मा है। तो उनसे भी एक वार्तालाप करते हैं कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि वो काफ़ी अपनी वाइफ को सपोर्ट करते हैं और करना भी चाहिए अगर टैलेंटेड है सब। तो मैं मुलाकात करता हूँ हिमांशु शर्मा जी से।